खबर पिपरिया से। विकसित भारत संकल्प यात्रा नर्मदापुरम जिले के पिपरिया तहसील के ग्राम पंचायत बीजनवाड़ा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान ग्राम बीजनवाड़ा में स्थानीय निवासियों को विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने संबोधित किया। कहा, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आराध्य श्री राम जी के लिए एक भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, जो कि वो अयोध्या में पूरा हो गया और अब 22 जनवरी 2024 को उस भव्य मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपको बता दें, पहले हमारे राम जी को रहने के लिए जगह नहीं थी, वो टेंट में रहते थे, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनमें श्री पूर्व मंडल अध्यक्ष खूबचंद रघुवंशी, ग्रामीण मंडल महामंत्री प्रीतम सिंह पूर्विया, जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर पठारिया, सांसद प्रतिनिधि जिला महामंत्री युवा मोर्चा गुलाब सिंह बैकर, मंडल उपाध्यक्ष नीलेश पटेल, युवा मोर्चा महामंत्री पवन पटेल, सरपंच श्रीमती माधुरी पंचम सिंह बैकर, उप सरपंच सोनम कहार सहित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अब 1 लाख मिलेंगे, अब बताओ क्या करे सरकार। और मोदी जी ने कह दिया है तो ये मकान हमने दे दिया, जिला गैस हमने दे दी, एलईडी बल्ब लगा के दे दिए। अब कहने लगे काय की दिक्कत आ रही, कहने लगे भोजन की दिक्कत आ रही। 2027 तक खाद्यान्न सबको फ्री मिलेगा, 1 रुपए नहीं लगेगा। अब आप लोगों का काम एक ही बचता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनको ध्यान दें, आप दिलाएंगे। कोई भी गरीब नहीं रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपकी समस्या आपकी नहीं है, हम तक आना चाहिए, हम उसे प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ लोगों ने कई पीढ़ियां चली गई, उनको राम भगवान सही जगह पर राजित नहीं हो पाए, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि आज 22 तारीख को रामलला हमारे अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आपको बता दें आदरणीय विधायक जी, ईश्वर का ऐसा योग रहा है, मंदिर का निर्माण किया है मैंने। मेरे खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया नर्मदापुरम से अर्चना मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।